नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मुरादाबाद की मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के खबड़िया भूड़ गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब रास्ते में मिट्टी डालने के विवाद में दो पक्षों में कहासुनी हो गई और लाठी डंडे चलने लगे। देखते ही देखते एक पक्ष ने अपनी छत पर चढ़कर अवैध तमंचे से दूसरे पक्ष पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग हो जाने के चलते पूर्व प्रधान मुर्तजा अली और कई लोगों को फायरिंग में गोली के छर्रे लगे होने की बात गाँव वाले बता रहे हैं। मौके पर खड़े किसी व्यक्ति ने तमंचे से फायरिंग करने वाले व्यक्ति का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिस वजह से फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसकी जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। घायल लोगों की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने मुरादाबाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। मुरादाबाद से नसीम खान की रिपोर्ट। और किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, कौन से गांव के हुआ? प्रधान किसी भी बात को लेकर सुबह सुबह में झगड़ा हो गया था। मेरा घर करीब में, मैं इसलिए गया, मैं देखूँ क्या हुआ। बाहर भी निकला गदर मजा, तो मैं बाहर भी निकला। जब देखा मैंने तो मेमोरियल में भी गया। उन तीन भाइयों ने तमंचे लेकर छत से फायरिंग चालू करी तो मेरी भी फायरिंग लग गई सर में। कितने लोग घायल हैं इसमें? फिलहाल तो मैं ही हूँ और दो तीन लगे छर्रे और लगे थे, वो उतने छर्रे नहीं लग पाए उनके, वो भाग नहीं गए। तो किस बात को लेकर विवाद हुआ? वो ट्रैक्टर वैक्टर के लिए खनन होने का काम करता ना, खनन का, तो वो ट्रैक्टर वैक्टर को लेकर विवाद था। उसने मना कर के हम अपने काम ट्रैक्टर हमने उसका काम हो रहा था, इसलिए उस चक्कर में विवाद हुआ था। पुलिस पहुंची मौके पर। पुलिस ने देख रहा, मेरे पास वीडियो भी है तमंचे चलाते हुए। तमंचे तीनों हाथ में तमंचे, एक के हाथ में माउजर है, दो के हाथ में 315 के तमंचे हैं। समझे, तीन वीडियो है पूरी क्लियर हमारे पास। कौन सा गाँव? खबड़िया रोड थाना, थाना मुंडा पांडे। ये थाना मुड़ा पांडा क्षेत्र में खबड़िया भूड़ गांव है। यहाँ पर एक व्यक्ति जिनका मकान बन रहा था, उनका मकान बनने का जो मटेरियल था वो रोड पर था, वहीं से दूसरे पक्ष जिनसे लड़ाई हुई है वो ट्रैक्टर से निकल रहे थे। तो पहले पक्ष का मसाला उससे कुछ ख़राब हो गया, इसी बात पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। इसी विवाद में जिनके मकान बन रहा था उन्होंने दूसरे पक्ष के घर पर जाके मारपीट करना शुरू किया। तो उस व्यक्ति ने अपने छत पर खड़े होकर कोई हवाई फायरिंग की है। इस संबंध में दोनों ही पक्षों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत थाना मुड़ा पांडे पर किया गया है। और जो हवाई फायरिंग जिस व्यक्ति द्वारा की जा रही थी उसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। शेष के विरुद्ध अभी कार्रवाई की जा रही है। जैसा मैंने बताया अभी कि एक पक्ष इसका मकान बन रहा था, उसका मसाला ख़राब उनके ट्रैक्टर को निकलने की वजह से हो रहा था, इसी बात पर विवाद हुआ। नहीं, अभी फायरिंग से किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, मारपीट से कुछ लोग इंजर्ड हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।